Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. RJ Anmol ki Anmol Kahaniyan. Valentine's Day, प्यार के इजहार का दिन, इश्क और मोहब्बत के एहसास का दिन, और इसी दिन मुमताज जहां बेगम का बर्थडे होना, ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि ऊपर वाले की नवाजिश है साहब। हर दिल की धड़कन है वो, हर किसी का क्रश है उस पर। मुमताज जहां बेगम घर वालों की बहुत ही प्यारी बेटी, और उनकी स्माइल, आह, देखने वाला अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाए। बचपन में एक कश्मीरी वाले बाबा ने उनको देख के कहा, बड़ी होकर ये लड़की बहुत नाम पैसा और शोहरत कमाएगी। सही थे वो, क्योंकि ऐसे ही हुआ। मुमताज जहां ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया, एंड एट द एज ऑफ 14 मुमताज जहां राज कपूर की फिल्म में एक हीरोइन के तौर पे आई। फिल्म थी नील कमल, और आप जान चुके हैं कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका स्क्रीन नेम मधुबाला। देखिए साहब, वो बला की खूबसूरत मधुबाला। तो बस फिर आज अनमोल की अनमोल कहानी मधुबाला और प्यार, बस इन्हीं को मिला के बन जाएगी। बात है 50s की। मधुबाला जी अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर चुकी हैं। हर दिल उनके नाम से धड़कता है, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन साहब, यहाँ पर मधुबाला जी किसी की दीवानी हो गई है, किसी को अपना दिल दे चुकी है, उसे प्रपोज करने वाली है। एंड यू नो हु इज दैट लकी गाय जिसे मधुबाला प्रपोज करने वाली है, ये है प्रेमनाथ। यस, प्रेमनाथ। देखिए, हो सकता है कि आज की जो मेरी जनरेशन है उसमें ज्यादातर लोग प्रेमनाथ को एक विलन के तौर पे याद रखें, लेकिन आपको बता दूं कि शुरुआत इंडस्ट्री में प्रेमनाथ ने एक डैशिंग स्मार्ट हीरो की तरह की थी। अच्छी खासी फीमेल फैन फॉलोइंग थी जनाब की, और इन्हीं में से एक मधुबाला। साल 1951, फिल्म बादल। फिल्म की शूट का पहला दिन मधुबाला जी प्रेमनाथ को प्रपोज करने का दिल बना चुकी हैं। वो सीधे उनके मेकअप रूम में जाती हैं और उन्हें अपनी तरह खूबसूरत एक गुलाब का फूल और उसके साथ में हाथ से लिखा हुआ एक नोट थमाती हैं। प्रेमनाथ को कुछ समझ नहीं आता, दोनों की साथ में पहली फिल्म और शूट का पहला दिन, प्रेमनाथ जी बिल्कुल ब्लैंक है। बहरहाल उस नोट को पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो ये गुलाब रख लीजिए, नहीं तो वापस लौटा दीजिए। ब्यूटी क्वीन मधुबाला का प्रपोजल, कौन रिजेक्ट कर सकता है साहब। प्रेमनाथ जी ने तुरंत वो गुलाब अपने कोट में रखा और साहब ये लव स्टोरी शुरू हो गई। पर जैसा कि होता है प्रॉब्लम्स, मधुबाला जी के वालिद साहब अताउल्लाह खां मधुबाला को लेकर बड़े पोजेसिव थे, और देखिए साहब, दोनों के प्यार के बीच में आ गया मजहब। और कहीं ना कहीं मधुबाला जी एक तरफ मजहब और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, ये लव स्टोरी बहुत जल्दी इसका दी एंड हो गया। इसी कुछ ही वक्त के बाद तराना फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया, और ये तराना सिर्फ फिल्म नहीं थी ये तो ब्यूटी क्वीन मधुबाला और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की लव स्टोरी की शुरुआत थी। मधुबाला दिलीप कुमार दोनों पठान परिवार से, तो भाई यहां मजहब वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मधुबाला दिलीप कुमार ये एक यू नो लाइक मेड इन हेवन काइंड ऑफ पेयर था। एक तरफ मधुबाला की खूबसूरती, एक तरफ दिलीप साहब की वो पर्सनैलिटी। हालांकि दोनों मिलते तो सिर्फ शूट के दौरान ही थे। मधुबाला जी के पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बाहर मिलना और जुलना सवाल ही नहीं उठता। तो जितनी मुलाकातें होती वो फिल्म के सेट पे होती, फिल्म के सेट पे भी उतना खुल के कहां मिल पाते थे। बस ये समझ लीजिए कि फिल्मों में जितने रोमांटिक सीन है बात सीधा दिल से ही निकला करती थी। कई सालों तक छुप छुप के ये लव स्टोरी चलती रही, और फिर हमको पता ही है वो एक कोर्ट केस, और उस कोर्ट केस के बीच में वो ड्रामा और प्रेस पब्लिक की मौजूदगी और इस लव स्टोरी का दी एंड। खैर, और अब बात करते हैं लव स्टोरी नंबर 3। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद मधुबाला एक बड़े डाउन फेज से गुजर रही थी, और यही वो वक्त था जब शूटिंग चल रही थी चलती नाम गाड़ी की। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक इंसान जो हमेशा मधुबाला को हंसाया करते थे, वो थे किशोर कुमार। मधुबाला जब डाउन होती किशोर दा कोई जोक मार दिया करते, उनको हंसा दिया करते। बस मधुबाला की हंसी वापस लौट आई, और हंसी के साथ साथ लौट आया प्यार। किशोर कुमार जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, अब अपनी पत्नी से अलग हो रहे थे। चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान मधुबाला किशोर कुमार का प्यार परवान चढ़ा,
और फिर आया साल 1960। सीक्रेट मिशन की तरह किशोर दा मधुबाला ने शादी कर ली। उसके बाद तो फिर हम जानते हैं उनकी फिल्में भी उस वक्त खूब धूम मचा रही थी। जहां एक तरफ पहली लव स्टोरी में मजहब बीच में आया, जहां दूसरी लव स्टोरी में वो ईगो, वो कोर्ट केस बीच में आया, वहीं इस तीसरी लव स्टोरी के बीच में आ गया मधुबाला के दिल का वो छेद। मधुबाला की सेहत बहुत खराब हो गई और ऊपर वाले ने इस लव स्टोरी को खत्म कर दिया। कहते हैं किशोरदा की जिंदगी में, किशोरदा जो पहेली थे जिनको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, पता नहीं था किशोरदा को सही में क्या पसंद है क्या नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनके बिल्कुल करीबी दोस्त मुझे बताते हैं कि किशोर कुमार के दिल के पास बस दो ही चीजें थी, एक तो खंडवा और दूसरी मधुबाला। रेडियो नशा।